दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट आई है परिवार पहचान पत्र को लेकर। इसमें एज प्रूफ में बदलाव किया गया है। दोस्तों लोगों की परेशानी को देखते हुए एज प्रूफ में किया गया है बदलाव। क्या बदलाव किया गया है इस वीडियो में आप जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो जानते हैं दोस्तों क्या है ये अपडेट। ये देखिए दोस्तों, मैंने एक फैमिली आईडी को अपडेट करने के लिए लॉगिन कर लिया है। देखिए यहाँ पर मैं इसको एडिट मेंबर करता हूँ। एडिट मेंबर करने के बाद देखिए दोस्तों, अब मैं इसको नीचे जाके चेक करते हैं दोस्तों, इसमें एज प्रूफ चढ़ाने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, सेलेक्ट DOB प्रूफ टाइप लिखा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब इन्होंने ऑप्शन बढ़ा दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए पहले है एज वेरीफाइड फ्रॉम 2 MO इन केस ऑफ अनमैरिड चाइल्डलेस, यानी कि 2 डॉक्टरों की रिपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद कॉपी ऑफ स्कूल रिकॉर्ड। ये पहले भी था दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट भी पहले था दोस्तों। अभी नया ऑप्शन जोड़ा है, इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड, यानी कि वोटर कार्ड। जिसके पास वोटर कार्ड है फोटो वाला, वो आप अपलोड कर सकते हैं एज प्रूफ में। उसके बाद है मैट्रिक मार्कशीट या सर्टिफिकेट, ये पहले से था दोस्तों इसमें। और एक नीचे आया है वोटर लिस्ट, यानी कि जिसके पास वोट कार्ड भी नहीं है और अगर ऑनलाइन में वोटर लिस्ट में उसका नाम है, तो वो वाला पेज भी आप यहाँ पर स्कैन करके डाल सकते हैं एज प्रूफ में। ये बहुत बड़ी ही खुशखबरी है दोस्तों। जिनके पास एज प्रूफ में देने के लिए कुछ भी नहीं था, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। वोट कार्ड और वोटर लिस्ट यहाँ पर ऑप्शन जोड़ दिए गए हैं दोस्तों। तो यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी दोस्तों, कि एक बहुत अच्छी खबर आई है परिवार पहचान पत्र में एज प्रूफ को लेकर। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था दोस्तों, लेकिन चलो देर से हुआ, लेकिन हुआ तो, क्योंकि इससे बहुत से जो बुज़ुर्ग सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनकी पेंशन अब आराम से बन पाएगी, क्योंकि उनके पास पहले एज प्रूफ में तकरीबन ये चीज़ें नहीं थी जो यहाँ पे इन्होंने 4 ऑप्शन डाल रखे थे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ गया है वोटर लिस्ट का और वोटर कार्ड का, तो इससे उनको बहुत ही राहत मिलेगी पेंशन बनवाने में। ठीक है दोस्तों, यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करनी थी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।